सीतामढ़ी और शिवर के इलाके में कुख्यात संतोष झा बड़ा गैंगस्टर है। सीतामढ़ी में दो इंजीनियरों के हत्या के पीछे भी संतोष झा गैंग का हाथ था। हत्या के मामले में संतोष झा फिलहाल जेल में बंद था। शिवर के रहने वाले संतोष झा ने बहुत कम वक्त में अपराध की दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया। थोड़े दिन पहले ही संतोष झा के गैंग ने सदस्य अभिषेक झा की मोतिहारी कोर्ट परिसर में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं लोग को दुख होता है। हाँ, कहीं आज के घटना के बारे में जी आज के घटना के बारे में देखिए आज करीब आधा घंटा पहले संतोष झा नामक एक अपराधी का अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दिया, जिसे जख्मी हालात में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, या इस कोर्ट का जो इंचार्ज प्रभारी है, उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं उजागर होती प्रतीत इसलिए दिख रही है कि जब आप कड़ी सुरक्षा के बीच किसी भी वकील या क्लाइंट को अंदर आने देते हैं, फिर आखिर अपराधी हथियार लेकर अंदर कैसे आ गया? यदि अंदर आया फिर गोली चलाया और फिर भाग भी गया बड़े आराम से। ये हाई प्रोफाइल मर्डर है, हाई प्रोफाइल मामला है, इसकी समुचित इलाज समुचित जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटना से यहाँ के सारे अधिवक्तागण समेत यहाँ के न्यायाधीश लोग भी भय में हैं कि आज अभियुक्त पे गोली चला है, कल हो सकता है किसी केस के सिलसिले में किसी न्यायाधीश पर गोली चला दी जाए। तो हम कितने संख्या में है जी, कितने संख्या में अपराधियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, जैसा जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने बोला है। लेकिन वास्तविकता क्या है ये अनुसंधान के बाद में आएगा कि अपराधी कितने की संख्या में थी, कितनी गोली चलाई, कैसे उनकी उन पर गोली चलाई। ये योजना हाई प्रोफाइल है, नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक है। साथ ही संतोष झा के सुरक्षा में जो आए कर्मचारी थे या उनकी जो सिपाही थे, उनकी भी पूरी डिटेल लेनी चाहिए और अनुसंधान बारीकी से करनी चाहिए, अन्यथा ये जांच बंद डिब्बा में रह जाएगी।